जाति का टैग न लग के सभी जातियों के सभी पीड़ितों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आवाज़ उन्हें आना चाहिए था निशंक जी को, और अगर जब वे आते तो शायद कुछ समस्या का हल होता। वे तो सिर्फ एक हमारे लिए लेटर लिख सकते हैं कि वास्तव में इनके लिए ऐसा करना चाहिए। वो भी कांग्रेस या बसपा उससे कोई मतलब नहीं है। आज इनकी साथ घटना हुई है, कल को किसी की भी साथ हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हम रुड़की के सिविल एयर में नगर निगम के सामने, आपको बता दें बेल्डा प्रकरण को लेकर यहाँ पर धरना चल रहा है। आपको बता दें बेल्डा प्रकरण में उत्तराखंड शासन प्रशासन द्वारा जो वादा खिलाफी के विरोध में पीड़ित परिवारों का यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें इनके साथ यहाँ पर जो एडवोकेट संजीव वर्मा है वो यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ और काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ग्रामीण लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। एडवोकेट संजीव वर्मा ने वो निर्णय लिया है कि वो इस धरने पर जो मांगे हैं उनको लेकर कल से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके साथ और कौन कौन लोग जाएंगे भूख हड़ताल पर, क्या वो कहना चाहते हैं। जी वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे दैनिक रुड़की के माध्यम से, जो जो आपने निर्णय लिया है भाई इस धरने पर भूख हड़ताल पर जाने का, क्या कहेंगे आप जरा? देखो, मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है ताकि शासन की नज़र पड़े और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इनके परिवार या जीविका चलाने के लिए आगे कुछ उनके सहयोग किया जाए। इसलिए जब क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था तो मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, इस धरने पर हम कांग्रेस जुड़े अधिकारीगणों पदाधिकारीगणों यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको लेकर। देखो, ये पीड़ित परिवार का मसला है, इसमें पार्टी बीजेपी कांग्रेस या बसपा उससे कोई मतलब नहीं है। आज इनकी साथ घटना हुई है, कल को किसी की भी साथ हो सकती है। मेरे ख्याल में सभी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं और सभी धर्मों के लोग भी आ रहे हैं और जाति के भी, क्योंकि ये धरना किसी की व्यक्तिगत जाति का या उसका नहीं है, ये सिर्फ एक पीड़ित परिवार का है। और पीड़ित परिवार में पीड़ित किसी घटना किसी की भी साथ हो सकती है, पीड़ित कोई भी धर्म जाति का हो सकता है। तो यदि वास्तव में इनके साथ अन्याय हुआ है तो सभी को इसमें सहयोग भी करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, अभी बसपा के भी यहाँ पर विधायक पहुँचे थे और उमेश कुमार जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी भाई यहाँ पर एसपी दियास साहब थे, ज्वाइंट साहब थे, अधिकारियों से बात करी थी, आपकी बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने उस समय आपसे? उमेश जी आए थे, एसपी दियास साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे। वे उन्होंने लेटर लिखा है यहाँ पे, जो हम लोगों की मांगे हैं वे पूरी करने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है, लेकिन वो हाथ में तो शासन के ही हैं, जो सत्ताधारी दल है उनके हाथ में है। वे तो सिर्फ एक हमारे लिए लेटर लिख सकते हैं कि वास्तव में इनके लिए ऐसा करना चाहिए। वो उन्होंने अपना कदम उठा दिया, अब वो क्या कर रहे हैं वो उनके हाथ में है। अच्छा, हरिद्वार के जो सांसद जी हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके बीच में इस चीज़ को लेकर? हो सकता है कोई कारण हो, कोई रोक रहा हो या कोई मजबूरी हो। वैसे उन्हें आना चाहिए था निशंक जी को, और अगर जब वे आते तो शायद कुछ समस्या का हल होता, लेकिन आज नहीं तो 2 महीने बाद आ गए, आखिर वोट मांगने भी तो आना पड़ेगा हम लोगों के पास। फिर क्या करोगे आप? नहीं करेंगे क्या, हम तो वोट ही दे सके, वो हमारी मर्जी है, हमारा अधिकार है, हम किसे दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप अकेले बैठ रहे हो उस धरने भूख हड़ताल पर या आपके साथ और भी कोई लोग बैठेंगे? नहीं, परमानेंट भूख हड़ताल पर मैं अकेला बैठूंगा। हाँ। वैसे रोज यदि कोई चाहे तो बैठ सकता है, मैं मना भी नहीं करूँगा। जब तक मांग पूरी नहीं होती आप बैठोगे? बिल्कुल, जब तक मांग पूरी नहीं होगी मैं बैठूंगा, और ये शासन को पता है कि मैं अगर जो कह रहा हूँ तो मैं ऐसा करूँगा। अच्छा, अभी यहाँ पर नोटियाल जी आए थे जो भीम आर्मी के अध्यक्ष भी हैं सहारनपुर से, वो भी यहाँ पर आए थे, और बताया जा रहा है 5 तारीख को यहाँ पर भाई चंद्रशेखर रावण जी भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ? देखो, ये पीड़ित परिवार का धरना है, वैसे भी उन लोगों की जाति का भी है, तो जब अन्य जाति के आएंगे तो उन्हें तो अपनी ज़्यादा एक कदम आगे चलना चाहिए, और मैं तो उनको वो मानता हूँ कि अच्छा है कि वे आएँ और एहसास दिलाएं कि हम सब एक हैं और पीड़ित परिवार की साथ हैं। एक जाति का टैग न लग के सभी जातियों के सभी पीड़ितों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी। अच्छा, वो लोग धरने पर बैठ रहे, आप बैठ रहे हो धरने पर, ऐसा क्यों? नहीं, हम लोगों ने पहले ही सोचा था कि पीड़ित परिवार में हम लोग बैठेंगे ताकि यहाँ कोई उपद्रव ना हो, कोई शासन प्रशासन को कोई बहाना ना मिले कि हमारी वजह से कोई दिक्कत उन्हें आ रही है और यहाँ शांति भंग हो रही है। तो आपने निर्णय ले चुके हैं मतलब? जी, निर्णय तो कल ही मैंने लेटर भी सबको लिख दिए थे और सबको अवगत भी करा दिया था, यहाँ तक कि मैंने LIU वालों को भी भेज दिया था, राष्ट्रपति महोदय को भी भेजा, मुख्यमंत्री को भी भेजा, SSP और DM साहब को भेजा, SDM साहब को भी भेज रखा। अच्छा, जो मेन मांग है वो बता दो जरा एक बार दोबारा से। मेन मांग तो ये है कि पीड़ित परिवार को पट्टे मिल जाए, इन्हें नौकरी मिल जाए, इन्हें एक मुआवजा मिल जाए जैसे और अन्य को पीड़ितों को दिया जाता है, इनकी साथ ही क्यों भेदभाव किया जा रहा है, और
ये जो जांच है, जो प्रकरण हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, उस पर फोकस होके मेन मुलजिम वे बने जिस कारण से ये हुआ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई अन्य हो, चाहे वो शासन का लोग हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे इन लोगों में से कोई हो, जिसके कारण से भी ये झगड़ा हुआ, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए आगे से ऐसी कोई घटना घटित ना हो समाज में। तो आपने सुना जो इनकी मांगे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय तक और भी लोग इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, और इन्होंने तो निर्णय ले ही लिया है भूख हड़ताल पर जाने का। तो कल से ये 14 दिन आज हो चुके हैं, और कल से 15वें दिन पर ये एडवोकेट जो संजीव वर्मा है वो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं।